गुड मॉर्निंग 10th क्लास। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जो, उसमें प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है टेस्टिस, जो कि पेयर में प्रेजेंट है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन ए पाउच लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। ठीक है, टेस्टिस आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि जो टेस्टिस है उनका मेन फंक्शन क्या होता है, स्पर्म की फॉर्मेशन करना, और जो स्पर्म फॉर्मेशन है उसके लिए बॉडी टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, और वो जो लोअर टेम्परेचर है वो इस स्क्रोटम में, इस बैग लाइक स्ट्रक्चर में मेंटेन होगा। सो इसीलिए टेस्टिस हैं जो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इस स्क्रोटम में, इस बैग लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगी। ठीक है, सो स्क्रोटम क्या करेगा, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखेगा सो डेट स्पर्म की फॉर्मेशन हो सके। नेक्स्ट जो ऑर्गन होगा ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो है एपिडिडाइमस। ठीक है, एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस है जो, वो एक कोइल्ड ट्यूब है। कोइल्ड का मतलब आप समझते हैं, घुमावदार, कोइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। स्पर्म जो कि टेस्टिस में बने हैं, ठीक है, स्पर्म की फॉर्मेशन कहाँ हुई है, टेस्टिस में हुई है। सो टेस्टिस से अब स्पर्म का ट्रांसफर किया जाएगा किसमें, एपिडिडाइमिस में। ठीक है, तो स्पर्म कहाँ जाएंगे, एपिडिडाइमिस में जाएंगे। एपिडिडाइमिस जो ट्यूब है वो स्मॉल टाइम के लिए, थोड़े से टाइम के लिए क्या करेगी, स्टोर करेगी स्पर्म्स को। ठीक है, तो स्पर्म्स की स्टोरेज थोड़े से टाइम के लिए एपिडिडाइमिस, जो कि एक कोइल्ड ट्यूब थी, वो करेगी। देखिए ये टेस्टिस है, ठीक है, एक पाउच स्क्रोटम में प्रेजेंट है। टेस्टिस का कनेक्शन है एक कोइल्ड सी ट्यूब से, जिसको हम बोलते हैं एपिडिडाइमिस। ठीक है, तो ये कोइल्ड जो ट्यूब आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है, एपिडिडाइमिस है। सो जो भी स्पर्म की फॉर्मेशन टेस्टिस में हुई थी वो अब कहाँ ट्रांसफर किए जाएंगे, इस कोइल्ड ट्यूब में, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एपिडिडाइमिस बोल रहे हैं। एपिडिडाइमिस थोड़े से टाइम के लिए स्पर्म को स्टोर करके रखेगी। एपिडिडाइमिस से स्पर्म्स अब कहाँ ट्रांसफर होंगे, एक और लॉन्ग ट्यूब में ट्रांसफर होंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस या फिर स्पर्म डक्ट। टेस्टिस में स्पर्म की फॉर्मेशन हुई, देन ट्रांसफर हुए एपिडिडाइमिस में, एपिडिडाइमिस के बाद एक लॉन्ग ट्यूब जिसको हम बोल रहे हैं वास डिफरेंस, वहां पे ट्रांसफर होंगे। सो जो नेक्स्ट पार्ट होगा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो क्या है, वास डिफरेंस। ठीक है, वास डिफरेंस क्या है, अब वास डिफरेंस एक लॉन्ग सी ट्यूब है। ठीक है, एपिडिडाइमिस से स्पर्म कहां ट्रांसफर होंगे, इस लॉन्ग ट्यूब में, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, वास डिफरेंस, या फिर क्या बोल देंगे, स्पर्म डक्ट बोल देंगे। डक्ट का मतलब क्या होता है, पाइप या फिर ट्यूब। अब स्पर्म्स को कैरी करने वाली ट्यूब को क्या बोलेंगे, स्पर्म डक्ट बोल दिया जाएगा। ठीक है, अब ये जो वास डिफरेंस है ये जॉइन होगा एक और दूसरी ट्यूब के साथ, जॉइंट विद अनदर ट्यूब। ठीक है, और वो जो दूसरी ट्यूब है वो क्या है, यूरेथ्रा। ठीक है, क्या है, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के साथ ज्वाइन होगा। यूरेथ्रा कहाँ से राइज होगी, यूरिनरी ब्लेडर से, कहाँ से, यूरिनरी ब्लेडर से। एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा था हमने ह्यूमन बींग्स में, देखिए ये यूरिनरी ब्लेडर है, और यूरिनरी ब्लेडर से एक और लॉन्ग ट्यूब सी अराइज होगी, जिससे यूरिन बॉडी से बाहर पास आउट होता है, उस ट्यूब को क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं। ठीक है, अब यूरिनरी ब्लेडर से अराइज हुई एक ट्यूब यूरेथ्रा, जो ज्वाइन करेगी किसके साथ, वास डिफरेंस के साथ ज्वाइन करेगी। देखिए ये जो लॉन्ग सी ट्यूब दिखाई दे रही है आपको, ये है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस अब नेक्स्ट किसके साथ ज्वाइन करेगा, यूरेथ्रा के साथ। यूरेथ्रा कहाँ है, ये यूरिनरी ब्लेडर है। ठीक है, यूरिनरी ब्लेडर से एक ट्यूब अराइज हुई जिसको बोल दिया यूरेथ्रा, उस यूरेथ्रा के साथ इस वास डिफरेंस ने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया, आपस में दोनों ट्यूब मिल गई। ठीक है, तो अब हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि जो यूरेथ्रा है ना, वो यूरिन को पास कर रहा था, प्लस अब स्पर्म्स वास डिफरेंस में आ गए ना, तो वास डिफरेंस से स्पर्म्स अब कहां जाएंगे, यूरेथ्रा में जाएंगे ना।
क्योंकि वास डिफरेंस ने ज्वाइन किसको किया है, यूरेथ्रा को ज्वाइन कर लिए। सो यूरेथ्रा जो है वो कॉमन ओपनिंग रहेगी, कॉमन पैसेज रहेगा, ठीक है, कॉमन पैसेज फॉर बोथ यूरिन एंड स्पर्म, ठीक है। स्पर्म और यूरिन दोनों को बॉडी से बाहर कौन लेके जाएगा, यूरेथ्रा जो एक लॉन्ग सी ट्यूब है जिसके पास एक ओपनिंग है, तो उस ओपनिंग के थ्रू ही यूरिन और स्पर्म्स दोनों के दोनों बॉडी से बाहर पास आउट होंगे। ये बात आप याद रखेंगे अच्छे से, ठीक है। अभी तक क्या हुआ, टेस्टिस में स्पर्म्स की फॉर्मेशन हुई, टेस्टिस में जो स्पर्म्स बने थे वो कहाँ जाएंगे, एक कॉइल ट्यूब जिसको हम बोलते हैं एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस से स्पर्म्स कहाँ जाएंगे, एक लॉन्ग ट्यूब वास डिफरेंस, वास डिफरेंस किसके साथ मिलेगा, यूरेथ्रा के साथ। यूरेथ्रा क्या होता है, कॉमन पैसेज है फॉर यूरिन एंड स्पर्म, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें दो मेन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे दो, एक होंगे सेमिनल वेसिकल एंड दूसरा क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, ये दो ग्लैंड हैं, दोनों के दोनों जो ग्लैंड है वो क्या प्रोवाइड करेंगे, कुछ सिक्रीशन रिलीज करेंगे, ठीक है, कुछ लिक्विड सिक्रीशंस रिलीज करेंगे, ठीक है। और ये जो लिक्विड सिक्रीशन है ये कहाँ ऐड होगी, कहाँ ऐड होगी, स्पर्म में, ठीक है। देखिए ये वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस है जो उसका कनेक्शन है सेमिनल वेसिकल, एक ये ग्लैंड, और दूसरा ग्लैंड क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड, वास डिफरेंस में जो स्पर्म आ रहे हैं ना उसमें कुछ लिक्विड कंटेंट ऐड करेंगे, ठीक है। क्या है, वास डिफरेंस एक लॉन्ग सी ट्यूब थी जिसका कनेक्शन किसके साथ हो गया, दो ग्लैंड, एक है सेमिनल वेसिकल और एक है प्रोस्टेट ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड है जो वो दोनों के दोनों एक लिक्विड को सिक्रीट कर रहे हैं, और वो लिक्विड किसके साथ मिक्स हो गया, स्पर्म्स जो एड स्पर्म्स जो वास डिफरेंस में थे उनके साथ ऐड हो गया। अब ये जो लिक्विड है, लिक्विड प्लस में जो ये स्पर्म्स हैं, तो लिक्विड कहां से आया, दो ग्लैंड थे सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, लिक्विड प्लस जो स्पर्म है, ये दोनों जो कंटेंट बनेगा ना, ये लिक्विड जो बनेगा इसको बोला जाता है सीमन, ठीक है। तो सीमन क्या है, एक लिक्विड है, एक फ्लूइड कंटेंट है जिसमें सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन है प्लस में स्पर्म प्रेजेंट है, ठीक है। अब जो ये लिक्विड सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड से आया था, इसका काम क्या होगा, एक तो ये प्रोवाइड करेगा न्यूट्रिशन, ठीक है, स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। स्पर्म्स को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, लिक्विड सिक्रेटेड फ्रॉम सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। दूसरा काम क्या होगा, लिक्विड है ना, तो ये क्या किस में हेल्प करेगा, स्पर्म के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा, ठीक है। स्पर्म को बॉडी से बाहर रिलीज करना है, फीमेल की बॉडी तक पहुंचाना है, तो फीमेल की बॉडी तक ट्रांसपोर्ट करने में ये जो लिक्विड है ये हेल्प करेगा, क्योंकि लिक्विड है ना, लिक्विड कंटेंट में स्पर्म क्या होंगे, फ्लोट होके नेक्स्ट पार्ट्स तक मूव करते जाएंगे, ठीक है। तो इसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सीमन क्या है, लिक्विड जो कहां से रिलीज हुआ था, सेमिनल वेसिकल से प्लस में जो स्पर्म है, उन दोनों को मिला के जो कंटेंट बनेगा उसको हम बोलते हैं सीमन, ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि जो वास डिफरेंस है वो किसके साथ ज्वाइन हो गया था, यूरेथ्रा के साथ। तो नेक्स्ट जो पार्ट है वो है यूरेथ्रा। वास डिफरेंस में सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड ने अपनी सिक्रीशंस ऐड कर दी, उसके बाद जो ये सीमन है, अब तो सीमन बन गया ना, सीमन क्या है, स्पर्म प्लस में लिक्विड, ये सीमन कहाँ ऐड होगा, यूरेथ्रा में ऐड होगा, यूरेथ्रा में एंटर करेगा, ठीक है। और यूरेथ्रा क्या है, कॉमन पैसेज है यूरिन के लिए भी और जो स्पर्म है उसके लिए भी, ठीक है। सीमन में क्या प्रेजेंट है, स्पर्म प्रेजेंट है। अब यूरेथ्रा कहाँ एंटर करेगा, एक और ऑर्गन जिसको हम बोलते हैं पेनिस, उसमें एंटर करेगा, ठीक है। यूरेथ्रा किसमें एंटर कर रहा है, पेनिस में एंटर कर रहा है। देखिए
ये वास डिफरेंस, वास डिफरेंट ने ज्वाइन किया यूरेथ्रा को। अब ये जो यूरेथ्रा है वो एंटर कर रहा है किसमें, एक और ऑर्गन में। ये जो ऑर्गन दिखाई दे रहा है आपको, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पेनिस, ठीक है। तो इस ऑर्गन में एंटर कर रहा है यूरेथ्रा, क्या कैरी कर रहा है अपने साथ, सीमन। सीमन में क्या प्रेजेंट है, स्पर्म्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो यूरेथ्रा एक और ऑर्गन जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पेनिस, उसमें एंटर करेगा। अब जो पेनिस है, नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, सेवंथ ऑर्गन है जो, वो क्या है, पेनिस। पेनिस यूरेथ्रा के थ्रू ओपन होगा आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड ओपन होगा। ये जो पेनिस है ये ही कॉप्यूलेटरी ऑर्गन है। कॉप्यूलेटरी ऑर्गन का मतलब क्या है, जो फीमेल के साथ क्या करेगा, कॉपुलेशन करेगा, मिक्सिंग कराने में हेल्प करेगा। जो मेल गैमेट है जो, उसको फीमेल की बॉडी तक ट्रांसफर करने में हेल्प कर रहा है। सो पेनिस क्या है, कॉपुलेटरी ऑर्गन है जो कॉपुलेशन में हेल्प कर रहा है, दोनों को, जो दोनों का जो सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है मेल और फीमेल का, उसमें हेल्प करेगा, ठीक है। तो पेनिस इज अ कॉपुलेटरी ऑर्गन, क्या काम करेगा, पास करेगा स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो कि है वजाइना, ठीक है। तो वजाइना है फीमेल का पार्ट, उसमें ये क्या कर देगा, पेनिस स्पर्म्स को ट्रांसफर कर देगा। ओपनिंग क्या रहेगी, ओपनिंग तो यूरेथ्रा ही रहेगी, लेकिन जो यूरेथ्रा है वो जो ट्यूब है वो पास किससे हो रही है, पेनिस से। और ये जो पेनिस है, ये पेनिस के थ्रू ही फीमेल की बॉडी में क्या है, स्पर्म्स को ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। तो ये रहेगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, सबसे पहले स्पर्म्स की फॉर्मेशन कहाँ होगी, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो, वो है टेस्टिस। टेस्टिस में स्पर्म्स बनेंगे, प्लस में क्या बनेगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्पर्म्स का ट्रांसफर किया जाएगा इस लॉन्ग, इस कॉइल ट्यूब में, जिसको बोलते हैं हम एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस से स्पर्म्स पास होंगे वास डिफरेंस में। ये क्या है, वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस है जो, वो ज्वाइन करेगी यूरेथ्रा के साथ, ठीक है। प्लस में जो वास डिफरेंस है उसका कनेक्शन दो ग्लैंड है जो सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड, उनके साथ भी होगा। सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड लिक्विड सीक्रेशन रिलीज करेंगे, स्पर्म में मिक्स होगी और इससे क्या होगा, सीमन की फॉर्मेशन होगी। इस लिक्विड सीक्रेशन का यूज क्या, एक तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है, दूसरा क्या काम कर रही है, स्पर्म का जो फ्लो है उसमें हेल्प कर रही है, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रही है। अब वास डिफरेंस ज्वाइन कर गया यूरेथ्रा के साथ, अब जो सीमन है जिसके पास स्पर्म है वो यूरेथ्रा के थ्रू पास करेगा। यूरेथ्रा आगे ज्वाइन कर रहा है, पास हो रहा है किससे, एक और ऑर्गन से, ठीक है। यूरेथ्रा पास होगा एक ऑर्गन से जिसको हम बोलते हैं पेनिस, और पेनिस है जो, उसके थ्रू ही यूरेथ्रा क्या करेगा, स्पर्म्स को फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वजाइना तक ट्रांसफर करेगा, ठीक है। तो पेनिस की हेल्प से ही यूरेथ्रा ट्रांसपोर्ट कर पा रहा है। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, डायग्राम आप अच्छे से ड्रॉ करेंगे। ओके, थैंक यू।